Yes, today we will start our new chapter respiration in organisms. अगर हम अपनी breathing movements देखें तो हम देखेंगे कि हमारी जो chest है उसकी movement होती है upward और downward movement होती है उसकी, कब होती है? जब हम breathe करते हैं तो. ये movement क्यों होती हैं? Breathing in और breathing out को indicate करती हैं. इसमें कई सारे organs जो हैं ये involve होते हैं. ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें से फिर आपने ऑर्गेनिज्म ढूंढने हैं, एनिमल्स ढूंढने हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखने हैं. जैसे ये देख लो, लीच फर्स्टी है, फ्रॉग है, नीचे हॉर्स है. ऐसे 5 आपने एनिमल ढूंढने हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखने हैं. ये खुद करोगे चीज़ आप. नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे कितने सारे सेल से मिलके बने होते हैं. ये जो सारे सेल्स हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि ये फूड को ब्रेक कर सकें और उससे एनर्जी ले सकें. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले तो एयर का अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, इसी को बोलते हैं इनहेलेशन और ब्रीथिंग इन. जब सांस लेते हैं हम तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन या ब्रीथिंग इन. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक सीरीज़ होती है केमिकल रिएक्शंस की जो हेल्प करती है एनर्जी को रिलीज़ करने में. कितने सारे इंजाइम्स और कैटलिस्ट जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं. जब फूड ब्रेक होता है तब उस रिएक्शन के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए ज़रूरत होती है इसको बाहर निकालने की. फिर ऐसी हवा का बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग आउट. ये अब कंप्लीट हो गया साइकिल. पहले इनहेल किया था, अब एक्सहेल कर दिया, ये कंप्लीट साइकिल हो गया. फिर डिफरेंस बाद में बताया हुआ है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में. ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो और एयर बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो. या ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट डिफरेंस फिर बताया हुआ है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में. ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें जिसमें इनहेल और एक्सहेल दोनों चीज़ें होती हैं. ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती और सिर्फ इसमें गैसेस का एक्सचेंज ही होता है बस. जो रेस्पिरेशन है ये केमिकल रिएक्शन की पूरी सीरीज होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है जब ऑक्सीजन फूड में ऐड होती है. तो इसमें कोई इंजाइम या कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता. इसमें इंजाइम भी और कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं. ये सेल के बाहर होता है प्रोसेस, ये सेल्स के अंदर होता है. इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स. जो बेसिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो सेम होता है प्लांट्स और एनिमल्स में और एनर्जी की रिलीज होती है. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर का मीन्स जिनमें सिंगल सेल होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली वाटर या एयर से एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. जो हवा होती है इसमें अब करीब 21% जो है ऑक्सीजन होती है और जो वाटर होता है उसमें 0.5% सिर्फ ऑक्सीजन होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे. जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. फिर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होती है? एनिमल्स जैसे अर्थवर्म और लीचीज हैं, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है इनकी स्किन के थ्रू. एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग हो गए, ये सारे एम्फीबियंस हैं, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है स्किन के थ्रू जब ये वाटर में होते हैं, और जब लैंड पे होते हैं तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है लंग्स के थ्रू. थ्रू एयर हो, सो ये स्किन था, अब एयर में जो होल्स होंगे, जैसे इंसेक्ट कीड़े वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं जिसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं.
एयर जो है इनकी बॉडी में इसी स्पेरिकल्स के थ्रू एंटर करती है और ट्यूब्स के थ्रू कैरी होती है, जिसको ट्रेकियल ट्यूब्स बोला जाता है। इसी ट्यूब्स के थ्रू एयर कैरी होती है। ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर फिर एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्पेरिकल्स के थ्रू बाहर चली जाती है। नेक्स्ट है गिल्स के थ्रू। जो ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश वगैरह हो गए, एक्वाटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो उनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको गिल्स बोलते हैं, जो वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो गिल्स हैं ये लाइक स्लिट होते हैं, स्लिट का मतलब कट्स की तरह होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिनको बोलते हैं फिलामेंट्स। ये जो फिलामेंट हैं इनको बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो हैं इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं। जब वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है माउथ के थ्रू तो ये गिल्स तक पहुंच जाता है। जो ब्लड होगा कैपिलरीज में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी के थ्रू वापस भेज देगा। यही ऑक्सीजन बाद में ब्लड के थ्रू सारी बॉडी तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट है थ्रू लंग्स। मोस्ट मैमल्स जो होंगे, डॉग, कैट, मंकी, हॉर्सेस, ह्यूमन बीइंग्स, इनमें स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, गुच्छी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं लंग्स। बेबी फ्रॉक्स जो होंगे वो भी गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, पर स्किन और लंग्स के थ्रू कब वो ब्रीथ करते हैं, जब वो बड़े बन जाते हैं। पहले गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब स्किन या फिर लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं वो।